एक ओर देश में जेएनयू में देशद्रोही नारों पर लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी हुई है। देश एक सुर में देशद्रोहियों का विरोध कर रहा है, तो केजरीवाल देशद्रोहियों के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन छात्रों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मुखिया देश के प्रधानमंत्री को महंगा सस्ता का पाठ पढ़ा रहे हैं। पुलिस ने कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। तो इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार के लिए बेगुनाह छात्रों के खिलाफ एक्शन महंगा साबित होगा। तो सोचिए, देशद्रोही का जो साथ दे वो तो देशद्रोही हुआ ना। खैर, केजरीवाल ने हर उस मुद्दे की वकालत की है जिसमें उन्हें राजनीति दिखती है या खबरों में बनने की कोशिश होती है, तभी तो देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं और जिसे देश ने चुना उसे आंख दिखा रहे हैं। खैर, जनता केजरीवाल को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही है, वो भी ट्वीट करके। जवाब ऐसे कि केजरीवाल को उनकी कथनी और करनी याद दिला दे। खबरों के मुताबिक वसंत कुंज थाने में कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ धारा 124A देशद्रोह और आपराधिक साजिश की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। उधर गिरफ्तार किए गए छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कोर्ट ने शुक्रवार को ही 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एक ओर देश के सैनिक सियाचिन में कुदरत के कहर के आगे बेबस होकर देश के लिए मौत को गले लगा रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल जैसे नेता देशद्रोही बयानों से देश को मारने में लग गए हैं। कुछ पूर्व सैनिकों ने जेएनयू वीसी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। अगर यूनिवर्सिटी में ऐसी गतिविधियों को ऐसे ही अनुमति दी जाती रही तो हमें अपनी डिग्री लौटाने को मजबूर होना पड़ेगा। चिट्ठी 54वें NDA कोर्स के कुछ रिटायर्ड सैनिक कर्मियों ने लिखी है। जिस मुद्दे पर पूरा देश साथ है, उस मुद्दे पर भी केजरीवाल जैसे नेता विरोध दिखाएं तो ये बताने की जरूरत नहीं कि देश हित में कितना हानिकारक है केजरीवाल जैसे नेता। और देशद्रोहियों के समर्थन में क्या इन पर भी देशद्रोही का केस नहीं करना चाहिए? क्या इन्हें देशद्रोहियों का साथ देने के बदले माफी नहीं मांगनी चाहिए?